निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यत्क्रौञ्ची मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। अर्थात तुम्हें अनंत काल के लंबे वर्षों तक कोई आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने प्यार में और बिना किसी संदेह के एक पक्षी को मार डाला। क्रोध और शोक से पूर्ण इस दोहे को संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है और इसी छंद में रामायण की पूरी रचना हुई। जिस रामायण को प्रथम काव्य या कविता के रूप में माना जाता है, वही रामायण जिसने कोसल राज्य के शहर अयोध्या के एक राजकुमार राम की कहानी को बताया और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम व्यवहार को जग जाहिर किया और मां सीता के समर्पण भाव से समाज में उदाहरण दिया, नारी की पवित्रता का, उसके त्याग का, समर्पण का। अब सवाल आता है कि इतने महाकाव्य को रचा किसने। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। तो आज है रामायण के रचयिता, पहले कवि, भविष्यदर्शी, त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि की जयंती। उन्हें आदि कवि या संस्कृत भाषा के पहले कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। वाल्मीकि के जन्म की सही तारीख और समय ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे लगभग 500 ईसा पूर्व रहते थे। वाल्मीकि के कई नाम हैं, जैसे वाल्मीकि, रत्नाकर, लाल बेग और बालाशाह। नारद मुनि से मिलने के बाद उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वाल्मीकि का जन्म अग्नि शर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता, जिसे सुमाली के नाम से भी जाना जाता है, नामक ब्राह्मण के घर हुआ था। किंवदंती के अनुसार एक बार उनकी मुलाकात महान ऋषि नारद से हुई और नारद के शब्दों से प्रेरित होकर अग्नि शर्मा ने तपस्या करना शुरू कर दिया और मरा शब्द का जाप किया, जिसका अर्थ था मरना। जैसे जैसे उन्होंने कई वर्षों तक अपनी तपस्या की, यह शब्द राम बन गया। भगवान विष्णु का एक नाम अग्नि शर्मा के चारों ओर विशाल चींटियों के टीले बन गए और इसने उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया। वाल्मीकि ने नारद से शास्त्रों की शिक्षा ली और सभी के द्वारा पूजित तपस्वियों में सबसे प्रमुख बन गए। भगवान ब्रह्मा द्वारा रामायण लिखने का काम सौंपे जाने के बाद ही उनके जीवन को असली उद्देश्य मिला। कहानी है कि जब सीता को जंगल भेजा गया तो वह वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर आश्रय लेती हैं, जहां वे जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म देती हैं, जो दोनों वाल्मीकि ऋषि के पहले शिष्य बनते हैं और जिन्हें वाल्मीकि ऋषि रामायण पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान की, तो वाल्मीकि जयंती हिंदू भक्तों द्वारा मनाई जाती है। कुछ लोग शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। यात्रा के साथ साथ लोग भक्ति गीत और श्लोक गाते हैं। अन्य लोग वाल्मीकि के याद में रामायण का पाठ भी करते हैं। कुछ लोग देश भर में वाल्मीकि के मंदिरों में प्रार्थना करके भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऋषि के मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और भक्त मुफ्त भोजन चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन गाथा लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति अपना मार्ग बदल सकता है और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकता है, चाहे उसका अतीत कुछ भी हो। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।